रहीम। असल में कल अशरे का दिन था, अशरे का दिन था कल, और कल हमारे ऊपर कुछ हमारे दुश्मनों ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है हमारे ऊपर। वो इल्ज़ाम एकदम बेबुनियाद है। वो ये हुआ, मैं एक फोकस लाइव न्यूज़ ग्रुप चलाता हूँ व्हाट्सएप पे, तो कभी भी कोई फ़ोटो वीडियो इस तरीके की होती है तो मैं वो बना के अपना वो उस पर चैनल के ऊपर डाल देता हूँ ग्रुप के ऊपर। तो कल एकदम रोड पे सन्नाटा था, मैं आया था यहाँ मजलिस के लिए सुनने के लिए, तो वहाँ 5 आदमी की परमिशन थी, तो अंदर जाने की इजाज़त मिली नहीं, तो फिर मैं बाहर ही खड़ा रहा। उसके बाद जब मजलिस ख़त्म हो गई, जनाब लोग सब अपने घर चले गए, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया अपने घर की तरफ करीब, तो इतनी देर में कुछ छतों से जैसे कि मातम की आवाज़ आने लगी, तो फिर मैं वापस नाई साहब के मामबाड़े पास फिर मैं चला गया। तो उधर से एक आ रहा था फ्लैग मार्च पुलिस का गाड़ियों के ऊपर, तो मैंने मोबाइल निकाला, मैंने उसकी एक पूरी फ्लैग मार्च की पूरी एक वीडियो बनाई, और उसके बाद में जब मैंने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा पुलिस द्वारा जो था जोन कैमरा चलाया जा रहा था। तो हमने मीडिया चैनल न्यूज़ के हिसाब से उसके ऊपर फिर मैंने एक 2 शब्द भी बोले कि अभी यहाँ विक्टोरिया स्ट्रीट पर जो मातम छतों पर कुछ लोगों ने किया उसकी निगरानी जोन कैमरे से ये जो है पुलिस कर रही है, तो वो अपने चैनल के हिसाब से मैंने किया था। उसको लोगों ने गलत सेंस से उसको गलत वायरल कर दिया, उस पर हमारी इज्जत के ऊपर आ रहा है, लोगों ने हमारी इज्जत को एकदम मिट्टी में लाने की कोशिश कर दी है। और एक विक्टोरिया स्ट्रीट के ऊपर नाइन साहब के इमामबाड़े के आगे एक हमारा एक अंजुमन का एक ऑफिस था, तो वहाँ मेरा एक बोर्ड लगा है, तो वहाँ मेरी एक फ़ोटो लगी थी, वो बोर्ड में फ़ोटो है, तो उस फ़ोटो किसी ने मोबाइल से खींच कर उसके ऊपर मुखबिर लिख के ये वायरल करके चला दिया है। आपको किसी पे शक है? हमें शक या हम किसी पे शक नहीं, किसी से मैं कोई नाम नहीं ले सकता, मगर मैंने आज FIR कराई है कि भाई इस फ़ोटो को होर्डिंग से जिसने खींचा है और जिसने मुखबिर लिख के ये हमारे लिए हमारी इज्जत के ऊपर इतनी बड़ी मेरे लिए मुसीबत डाल दी है, तो ये इसकी जाँच की जाए।